चिकन इन्हें निकालना है तो। बट टीम गॉडलाइक की अगर बात करें इस मुकाबले के अंदर बहुत ही जबरदस्त टीम हाइड्रा, वो भी कहने की अच्छे खासे खेल के साथ आगे बढ़ते हुए, हालांकि जोन के बाहर। बहुत देर पहले हम लोग बात कर रहे थे वो फाइनली शुरू होता हुआ दिखा, जिधर पैराडॉक्स के ऊपर काफी सारे शॉट्स कनेक्ट किए गए थे, जोन के बाहर फंसेंगे और पैराडॉक्स इधर जोन पे ही खत्म होते हुए देखने के लिए मिल जाएंगे। बट वही बात है, जाते जाते पॉइंट्स इधर नहीं देना चाह रहे थे तो उन्होंने दिया नहीं ये ग्रेनेड, बट फाइनल कनेक्शन और उसी के साथ टीम गॉडलाइट आखिरी प्लेयर थे स्काईफॉल की तरफ से, उनका भी समाप्ति इधर देखने के लिए मिल चुका है, कंफर्मेशन आ चुका है उनके पूरे टीम के एलिमिनेशन का। बट इधर कोशिश, यस इधर स्पर्स को किया जाएगा नॉक, बट नो क्या देखे जोन के बाहर हिल बैटल कर रहे हैं, टीम टमिलाज वर्सेस गॉडलाइक ही होने वाले मेन फाइट। मुझे लग रहा है कि शायद ना जैसी वो 15वां फर्स्ट विकेट खत्म होगा ना, टूअर ओपी टीम गॉडलाइक के लिए बहुत दिक्कत लेकर आ सकते, उनका एक स्प्रे में तो मुझे लग रहा है कि नॉकआउट तो हो जाएगा, दूसरे स्प्रे से डैमेज अच्छा खासा खा सकता है, पूरा एडवांटेज अभी के लिए नंबर्स का एडवांटेज बना हुआ। बट ये ग्रेनेड अगर बिल्कुल बीचों बीच करता है तो शायद मल्टीपल नॉकआउट देखने को मिल सकते हैं, ये काफी क्रूशियल वो ग्रेनेड है, वो नॉकआउट निकाला मैक्सी ओपी के ऊपर, फिर से एक और ग्रेनेड को किया जाएगा, शायद नॉकआउट के अलावा जो दूसरे खिलाड़ी को रिवाइवल देंगे उनके ऊपर वो धमाका जाएगा। जी हाँ, देखते ही देखते वो तीन नॉकआउट्स आ चुके हैं और यहाँ से जोनाथन को अब कन्वर्जन पे कन्वर्ट करना है यहाँ से, और माय गॉड और ग्रेनेड, एक वाओ उस ग्रेनेड के चलते जोनाथन ने निकाल दिया है 10 फ्रैग के साथ, टीम गॉडलाइक आ चुके हैं यहाँ पर, और अब सिचुएशन एक 1v2 की, बट डुओरा आपने उस हील बैटल के चलते #2 तो प्राप्त कर ही लिया है, उसी के साथ 5 फर्स्ट एड्स तो जरूर है। इधर पार्टी वाली वो भी नॉन वेज के साथ, क्योंकि चिकन डिनर वो लेके जाने वाले हैं, शॉट्स इधर आ रहे हैं की डोरा की तरफ से, बट ओनली कुछ एच भी, उसी के साथ हुआ समाप्ति और टीम गॉडलाइक के फैंस और टीम गॉडलाइक खुद भी जिसके लिए इतने। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।